ओके अब एक्सरसाइज नंबर 8.3, 8.3 में प्रीवियस हमने देखा था एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 3 देखा था। अब एग्जांपल नंबर 4 की ओरल ही बात कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज की जब भी बात आती है तो हम क्या करते हैं, पहले तो जो आपको दो वैल्यू दी है उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3,50,000 और 3,70,000 का डिफरेंस कितना आएगा, तो 20,000 आएगा। ओके तो हमारा फॉर्मूला था चेंज, तो ऊपर हम लिखेंगे 20,000 और ओरिजिनल बेस। ओरिजिनल बेस तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पहले इतनी थी अब जा रही है यहाँ तक, तो बेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 3,50,000। तो ऊपर आएगा 20,000 और नीचे आएगा 3,50,000 इनटू 100 और उसका परसेंटेज लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होगा। ओके अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 रुपीज एंड सेल इट प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट। ओके अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 10,000, और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना निकाल रहे हो आप 20। तो मैंने क्या बताया, जब भी ये परसेंटेज वाली बात आती है ना तब हम कॉस्ट प्राइस को 100 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे 100। देखो 20% की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 का 20% उसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 20 हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 20, और हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस हमको पता करना है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और ये जो कॉस्ट प्राइस माइनस में था वो इधर ला देंगे तो कॉस्ट प्राइस प्लस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है आपका 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 120। उसका मीनिंग कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस आपको 100 रुपीज दी हुई है तब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120 रुपीज, कितनी होगी 120, और हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 10,000। तो जब मेरी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज है, जब मेरी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज है तब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये मुझे फाइंड करना है। बस ये वन नंबर, ये टू नंबर और ये थ्री नंबर, तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2×3/1, 2 means 10,000, 3 means 10,000, 2 means 120, तो 120 नीचे आ जाएगा 100, 10, 10, 10, 10। तो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 1000 बचा, तो 12 और 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12,000 रुपीस। तो ये 12,000 रुपीस आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। मतलब कि जब आप टीवी 10,000 में खरीद रहे हो और उसको आप 20% प्रॉफिट से बेच रहे हो तब उसकी सेलिंग प्राइस 12,000 रुपीस होगी। कितनी होगी 12,000 रुपीस होगी। ओके अब देखो 6 नंबर का वैसा ही है, जो ही सेल करती है वॉशिंग मशीन कितने में, इतने में, तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस और लॉस, तो सेलिंग लॉस के लिए भी यही फॉर्मूला है, लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, तो लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी दिया है और लॉस दिया है, तो यहाँ से आप सीपी निकालो तो सीपी मिल गया हमको, तो उसको आप हमारे फॉर्मूला में लगा दो, तो हाउ मनी डू आई गेट फॉर इट। ओके सॉरी व्हाट वाज द प्राइस विच सी बॉट इट। ओके तो इसमें भी ये मिल जाएगा, सेल इतने में कर दिए तो इतना लॉस होता है, तो इतने में कितना कॉस्ट प्राइस होगा, तो यही फॉर्मूला से, लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। अब देखो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला है, चॉक कंटेंट, क्या कंटेंट, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, क्या कंटेंट करता है कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, वो भी कितना 10, 7, 12। हाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन चॉक, कार्बन का चॉक फाइंड कर, तो पहले हम ऊपर लिखेंगे, पहले तो ऊपर सेकंड पहले दिया है वो क्या दिया है कैल्शियम दिया है, दूसरा जो दिया है वो कार्बन दिया है, और तीसरा जो दिया है वो ऑक्सीजन दिया है। तो कार्बन का परसेंटेज पता करना है, तो कार्बन का पार्ट कितना है 3, वो लिखो और नीचे टोटल, तो 10, 3, 12, तो कितना होगा टोटल 25, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो, 25 4 था इसका आ जाएगा 12%, तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा 12%। नीचे एक और भी क्वेश्चन है, इफ इन स्टिक ऑफ चॉक
कार्बन अगर 3 ग्राम होगा तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा? तो देखो ये 3 का रेशियो है, 3 पार्ट की वैल्यू हमको दी हुई है, 3 पार्ट की वैल्यू हमको 3 दी है, तो हमको टोटल, क्योंकि चॉक स्टिक का वेट पता करना है ना, तो चॉक स्टिक में तो तीनों है, तो ये 10 पार्ट भी आ जाएगा, ये 3 पार्ट भी आ जाएगा और ये 12 पार्ट भी आ जाएगा, तो 3 पार्ट की वैल्यू हमको 3 दी हुई है, तो 25 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो अगेन हमारा वाला फॉर्मूला 1, 2, 3 वाला, तो 3 × 2 / 1, तो 3 means 25, 2 means 3 और नीचे भी 3, तो 3, 3 कैंसल, तो ये आ जाएगा 25 ग्राम। क्या आ जाएगा? 25 ग्राम। तो अगर चॉक की जो स्टिक है वो इसमें अगर कार्बन 3 ग्राम है तो चॉक स्टिक का पूरा वेट आपका 25 ग्राम होगा। कितना होगा? 25 ग्राम। तो ये परसेंटेज भी आ गया, तो फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर। ओके।